Please subscribe to Smile Please Kids. हिंदी दिवस भाषण. आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, देवतुल्य गुरुजन और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी का इस विशेष समारोह में स्वागत है. आज 14 सितंबर है. संपूर्ण भारत में इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है. हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु हर साल हम इस दिन को उत्साह से मनाते हैं. हिंदी भाषा विश्व में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है. हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है. भारत देश में अधिकतम लोग हिंदी भाषिक हैं. इसी कारण 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया. हमारी राजभाषा हिंदी से ही हमें संस्कृति का ज्ञान होता है. हिंदी विश्व की प्राचीन और समृद्ध भाषा है. यह एक सरल भाषा है और किसी को भी इसे बोलने और समझने में परेशानी नहीं होती. हिंदी पूरे भारत को एक बनाए रखती है. आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी भाषा का भी अपना स्थान है, पर इस वजह से हम हमारी मातृभाषा को भुला नहीं सकते हैं. आज हम हिंदी में बात तो करते हैं, पर कई बार हमारी बातों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है. इसी वजह से हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हट रहे हैं और हमें ऐसे हरगिज नहीं होने देना है. हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे. हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं. भारत की गौरव गाथा है हिंदी. हर भारतीय की पहचान है हिंदी. एकता की परंपरा है हिंदी. हमारे जीवन की परिभाषा है हिंदी. आइए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हमारी राजभाषा हिंदी के विकास में हम हमारी ओर से संपूर्ण प्रयास करेंगे और जितना हो सके हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे. धन्यवाद.